हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट एक्वेरियम चैनल एक्वाबे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है आपका। यहाँ पर हम वीक टू की अपडेट्स देखेंगे। उसके पहले हम पहले रीकैप देख लेते हैं कि अभी तक हमने हमारे टैंक को कैसे सेटअप किया शुरू से। थैंक यू। काफ़ी क्रिस्टल क्लियर पानी है और हम लोगों ने जो फिल्टर लगाया हुआ है और जो स्पॉन्ज फिल्टर आप देख रहे हैं वाइट कलर का स्पेसिफिकली, वो पानी में जो भी गंदगी है वो प्रॉपरली अब्जॉर्व कर रहा है। और वैसे भी अभी कुछ गंदगी ज़्यादा है नहीं, पौधों की पत्तियां गिरना शुरू होंगी तब डिकम्पोज होंगी तब गंदगी होती है, और जब जब एलजी वगैरह आ जाएंगे या फिर फिशेज डाल देंगे तो फिर वो वेस्ट क्रिएट करती हैं, तो तब ज़्यादा गंदा होगा। ये देखिए, ये प्लांट तो बहुत अच्छे से लग गया है। लुक एट देम, ग्रो भी करने लग गए हैं। इसका मतलब जो लाइट हमने लगाई है वो सफिशियंट है, प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं पौधे, ऑक्सीजन क्रिएट कर रहे हैं। आपको मैंने पहले वीडियो में दिखाया था कि पौधे ऑक्सीजन क्रिएट कर रहे हैं, पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं। पत्तियां भी इसकी ठीक हो रही हैं, ब्लैक डॉट थे पहले, अभी ठीक हो रही हैं। ये जब घास है ये वाइट कलर के हो गए हैं इनके लीव्स, वन इट इज़ फाइन। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर ये लीव्स वाइट हो भी जाएंगे तो आपको हटाना नहीं है इसको, इसके रूट्स ठीक होंगे। रूट्स ख़राब भी हो पौधे के तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक कि इस तरह से कोई पौधा ना हो जाए कि वो बैंड हो रहा है इस टाइम, एकदम डार्क हो गया है, पत्तियाँ ग्रो नहीं हो रही उसमें, पुरानी पत्तियाँ ब्लैक पड़ गई हैं, रूट्स भी नहीं हैं, तो हमको हटा देना चाहिए ऐसे पौधे को। मैं इसको निकालूंगा, एक दो दिन में इसको मैं निकाल दूंगा। ये देखिए, ग्रीन कलर की पत्तियां आ रही हैं छोटी छोटी, ट्रांसपेरेंट पत्तियों के बीच। ये भी ग्रो नहीं कर रहा है, दो स्टेम इसका ग्रीन दिख रहा है बट कुछ नया डेवलपमेंट नहीं है। ये देखिए, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था छोटे छोटे पत्तियां थे, अब काफी ग्रो हो रहा है, बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। पौधे ग्रो करने लगते हैं तो पानी साफ रहता है क्योंकि वो वाटर कॉलम में से CO2 खींच लेते हैं और ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, और हमने फ्लो में फिल्टर लगा रखा है तो इट कीप वाटर सर्कुलेट। ये पौधा अभी ब्लैक पड़ गया है, स्टेम पूरा बेंड हो गया है, आई थिंक ये तो डेड है,
ये डिकम्पोज होगा और गंदगी क्रिएट करेगा। अब गंदगी क्रिएट होना शुरू होगी क्योंकि ये सब पत्तियां गिर रही हैं, पौधे सड़ रहे हैं। एलजी आना भी शुरू होंगे, तो एक दिन 10 2 3 दिन में एलजी आना शुरू होने लगेंगे। तब हमको थोड़ा केयरफुली प्लान करना है चीज़ें, जिससे कि टैंक क्लीन रहे कुछ दिनों तक। उसके बाद तो फिर ये ऑटो मोड में चला जाएगा, जो अपने आप प्रोसेसेस टेक ओवर कर लेंगी। ये देखिए, वॉलपेपर जैसा एक प्लांट। ये दूसरे तरह की घास है, थोड़ा मोटी पत्ती है इसकी, और ये भी ब्लैक होके गिर रहे हैं। बट इसके साथ में आप देखेंगे तो ग्रीन कलर की छोटी छोटी पत्तियां निकल भी रही हैं। आसपास की ब्लैक हो गई बट ग्रीन निकल भी रही हैं, तो ये एक अच्छा साइन है, पौधा लग चुका है। होता क्या है कि जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो जनरली गिर जाती हैं, क्योंकि जब हम प्लांट लाते हैं तो वो पानी के बाहर उगते हैं, तो उनका एनवायरनमेंट अलग होता है। फिर हम उनको पानी के अंदर डाल देते हैं तो एनवायरनमेंट अलग होता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी पत्तियां पहले पूरी गिरा देते हैं और फिर नई पत्तियां आती हैं। ये प्लांट भी नहीं बचेगा। ये देखिए, इसका स्टेम पूरा बेंड हो गया है, कोई नई पत्तियां नहीं है। देखिए, ये प्लांट अपनी पूरी पत्तियां गिरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सड़ गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बस अपनी पत्तियां पूरी गिरा रहा है और पूरा नया डेवलपमेंट है इसमें। देखिए, पत्तियां आ रही हैं, ग्रो हो रही है। ये पूरा नीचे गिर जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। टैंक को क्लीन कैसे करना है इसका वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा एलजी दिख रहा है यहाँ पे। गौर से देखेंगे तो थोड़े थोड़े एलजी आना शुरू हुए हैं, रूट्स भी आई है प्लांट की और पत्तियां भी आ रही है। नहीं तो उससे गुड साइन, एलजी आ रहे हैं वो भी अच्छा साइन है। एलजी जब आते हैं जब आपके प्लांट एक्चुअली कम ग्रो हो रहे होते हैं, पानी के अंदर न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होते हैं और प्लांट ग्रो नहीं कर रहे होते और लाइट मिलती है, तो अभी वो एक्सेस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्व करने के लिए एलजी आते हैं। सो एलजी इज अ गुड एक्चुअली, मतलब वो फिशेज अगर होंगी या दूसरे कुछ प्लांट्स होंगे तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो एलजी इज अ काइंड ऑफ अ प्लांट, एलजी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर एलजी किसी प्लांट के ऊपर लग जाए और उसको फिर लाइट ना मिले तो फिर वो प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देता है, वो ध्यान हमको रखना पड़ेगा। फिल्टर देखेंगे, बायो मीडिया पे कुछ भी बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, थोड़े से ऊपर है बट ज़्यादा नहीं है। इसका एक अच्छा है और बुरा मीनिंग है। अच्छी बात यह है कि टैंक काफ़ी साफ है, पानी क्लीन है, तो कुछ गंदगी इकट्ठी नहीं हो रही है। खराब बात यह है कि बैक्टीरियाज नहीं आए अभी तक। टैंक में स्पॉन्ज फिल्टर पे भी कुछ गंदगी नहीं है। बैक्टीरियाज जनरली टाइम लगता है आने में, वही एक ऐसी चीज़ है प्लांट्स के जो गंदगी होती है, फिश की गंदगी होती है, उन सबको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। नाइट्राइट को नाइट्रेट बनाने में हेल्प करते हैं, अमोनिया को चेंज करते हैं। अगर अमोनिया को कन्वर्ट नहीं करेंगे जो फिश की गंदगी से बनता है, तो फिशेस को अमोनिया पॉइजनिंग हो जाएगी और वो मर जाएंगी। तो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, ये सब काम बैक्टीरियाज करते हैं। तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा इन डिटेल में, कैसे बैक्टीरिया काम करते हैं, क्यों वो ज़रूरत है हमको उनकी, और कैसे साइकिल करें। ये देखिए, ब्यूटीफुल इजंट इट। काफ़ी क्लियर पानी है और आप देख सकते हैं कि फ्लो भी मैंने एडजस्ट किया है पानी का। मैंने एक वाइट कलर की शीट लगाई है कि पानी फिर कम गिरे, इतनी तेज़ी से ना गिरे।
वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसमें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या किया है। ये देखिए ब्यूटीफुल प्लांट्स, कुछ पत्तियाँ गिर रही हैं, ऑफ कोर्स ये गिर जाएंगी, ब्लैक भी होंगी, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है जैसा हमने देखा था। ये प्लांट मर चुका है, अब इसको मुझे लगता है निकाल देना चाहिए, नहीं तो फिर ये डिकम्पोज होगा, गंदगी क्रिएट करेगा और इसकी वजह से फिर इश्यूज भी आएंगे अभी, क्योंकि हमारा टैंक अभी तक साइकिल नहीं हुआ है तो अभी प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए बहुत अच्छे से पत्तियां आ रही हैं इसकी, और आप नीचे भी देख सकते हैं कितनी सारी पत्तियां आ गई हैं, इसलिए पानी इतना क्लियर है क्योंकि अभी ऑक्सीजन ये लोग जनरेट कर रहे हैं, पूरा CO2 खींच रहे हैं, गंदगी खींच रहा है फिल्टर, इसलिए पानी भी क्लियर है और ग्रोथ भी अच्छी है, ब्यूटीफुल। ये आप देख सकते हैं कि एलजी है, हेयर एलजी है जो अभी आना शुरू हो गए हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि अगले 2-3 हफ्ते तक कैसे कैसे एलजी आएंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ एलजीज, हेयर एलजी, ब्राउन एलजी, ब्लैक एलजी, ग्रीन एलजी। ये ग्रास के साथ में लीव्स आने लगी हैं, विच इज़ अ गुड साइन। कुछ पौधे स्ट्रगल कर रहे हैं, ये वाला भी मुझे लगता है कि इज डेड, तो इसको भी निकालना होगा। ये देखिए ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई है पत्तियां, बट वी शुड नॉट वरी क्योंकि अभी बाकी आपने ग्रास देखा है कि उसमें से ग्रीन पत्तियां आ रही हैं, तो इट इज फाइन। ये प्लांट अच्छे से लग गया है, लेकिन इसके भी पत्तियों पे मुझे कुछ येलो एलजी अब दिखने लगे हैं। इस प्लांट में दो पत्तियां नहीं हैं लेकिन स्टेम ग्रीन है, तो स्टिल इट इज सर्वाइविंग। ब्यूटिफुल फोटोजेनिक प्लांट जिसका आप वॉलपेपर बना के लगा सकते हैं। ये एक्चुअली ऑक्सीजन बबल है जो ट्रैप हुआ है यहाँ पर, एलजी भी आ गए हैं यहाँ पर, लेकिन ये ऑक्सीजन बबल है विच मीन्स कि ये पौधा ऑक्सीजन जनरेट करने लगा है, इट्स अ गुड साइन। अभी हम आगे देखेंगे कि बहुत सारे पौधे ऑक्सीजन जनरेट करने लग गए हैं, लेकिन अभी एलजी भी आना शुरू हो गए हैं। ये एक पौधा है, ये भी लग गया है, इसकी कुछ पत्तियां न्यू आ रही हैं, कुछ एलजी भी है पत्तियों के ऊपर। पीछे की घास आप देख सकते हैं कि काफी लग रही है, पुराने घास येलो होके गिरने लगी है। ये रेड कलर का एक प्लांट है जिसपे थोड़ा थोड़ा एलजी लगने लगा है अब, और साथ में कुछ उसमें नई ग्रोथ भी है, नए लीव्स आ रहे हैं। लुक एट दिस एलजी, सिल्वर पर्ल्स विच इज बेसिकली वाटर बबल्स। हम साइड से देख लेते हैं, ये जो बड़ी घास है वो भी काफी ग्रो होने लग गई है, आप देख सकते हैं कि पत्तियां आने लगी हैं उसमें, इसकी पत्तियां ब्राउन हो गई हैं, लेकिन आप ब्राउन के बीच में देख सकते हैं ग्रीन पत्तियां आ रही हैं, और ये एक डिफरेंट वैरायटी की घास है लास्ट में जो काफी अच्छे से ग्रो कर रही है, तो इट्स अ रियली गुड साइन कि पौधे आपके बहुत अच्छे से लग गए हैं। पीछे की तरफ हमने ऐसे पौधे लगाए थे जो ज्यादा ग्रो करते हैं, जिनकी हाइट ज्यादा है, और आगे की तरफ ऐसे पौधे जिनकी हाइट कम है।
ये प्लांट तो नहीं सरवाइव करेगा, पूरा बैंड हो गया है, ब्लैक हो गया है। नीचे स्टेम ग्रीन था पहले, लेकिन अभी वो भी ब्लैक हो गया है। ये देखिए, ब्यूटीफुल ग्रोथ, बहुत प्यारी पत्ती निकल के आ रही है। और आप देख सकते हैं बगल में एक, एक्चुअली पानी के अंदर देखना है बड़ा अजीब लगता है कि एक सिल्वर कलर का पानी का बबल आपको दिख रहा है, तो विच इज़ अ ब्यूटीफुल सीनरी। ये देखिए, थोड़े एलजी दिख रहे हैं पत्तियों के ऊपर, बट इट्स फाइन, एलजी हम मैनेज करेंगे नेक्स्ट वीक में। काफ़ी काफ़ी सारे आने वाले हैं, पूरा पानी खराब करने वाले हैं वो। ये एक प्लांट ऑक्सीजन निकालता हुआ, जैसा हमने बोला था कि बहुत अच्छे से हमने प्लांट लगाए हैं, वो लोग ऑक्सीजन क्रिएट करने लगे हैं। ये अच्छे से इनके ऊपर लाइट पड़ रही है, इस वजह से ये लोग ऑक्सीजन जनरेट कर रहे हैं, CO2 एब्जॉर्ब कर रहे हैं। प्लांट और लाइट मिलके, अभी फिश नहीं है ऑफ कोर्स, फिश भी इसका पार्ट बनेंगी, ये मिलके एक्वेरियम को साइकिल कर रहे हैं। अभी इसमें बैक्टीरियाज आएंगे, वो भी धीरे धीरे आना शुरू होंगे। जरा मल्टीपल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। लुक एट दिस, इतनी स्पीड से ये पौधा ऑक्सीजन जनरेट कर रहा है। इसीलिए ये एक साइकिल टैंक है, जहाँ पर हमको किसी CO2 की ज़रूरत नहीं है, किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह के वाटर चेंज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट है। फिश प्लांट को सपोर्ट करेंगी, प्लांट्स फिश को सपोर्ट करेंगे। लुक एट दिस ब्यूटिफुल, बहुत सारे प्लांट, तरह तरह के प्लांट, कुछ स्लो ऑक्सीजन दे रहा है, कुछ फास्ट दे रहा है, किसी ने ऑक्सीजन बबल ट्रैप किए हुए हैं। ये होता है जब आप एक अच्छा सेटअप कर लेते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्लांट्स हैं जो लग गए हैं वीक 2 में, ऑक्सीजन भी जनरेट करने लगे हैं। इसके बाद हम मछलियां डाल सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर प्लांट ऑक्सीजन देना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो शुरू कर रहे हैं, वो CO2 एब्जॉर्व कर रहे हैं पानी में से और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारा साइकिल फिर कंप्लीट होगा कि प्लांट ऑक्सीजन जनरेट करेंगे, फिश ऑक्सीजन को कंज्यूम करके CO2 जनरेट करेगी, प्लांट फिर दोबारा CO2 कंज्यूम कर लेंगे। तो ये साइकिल चलता रहेगा, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं नो CO2 नो फर्टिलाइजर नो वाटर चेंज इकोसिस्टम। तो अभी हम फिश नहीं डालेंगे, एलजी एक बार कंट्रोल में आ जाएंगे और पानी क्लियर हो जाएगा और प्लांट एस्टेब्लिश हो जाएंगे प्रॉपरली, फिर हम फिश को डालना शुरू करेंगे, मे बी आफ्टर वीक 4। लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है कि ऑलमोस्ट एवरी प्लांट इज जनरेटिंग ऑक्सीजन। तो ये होना चाहिए, जब आपके प्लांट अच्छे से लग जाते हैं तो वो ऑक्सीजन जनरेट करेंगे, कुछ फास्ट करेंगे, कुछ स्लो करेंगे।
बायोमीडिया जो है हमारा व्हाइट कलर का, उसमें काफी बैक्टीरियल ग्रोथ दिख रही है, विच इज रियली गुड साइन कि अभी बैक्टीरिया आए हैं जो डिकम्पोज करने में हेल्प करेंगे। अभी तो उनकी ग्रोथ बहुत कुछ होना बाकी है। ये देखिए एक ये प्लांट है जो काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये डे 7 का स्टेटस है। एक बार हम डे 7 ऑफ वीक 1 से कंपेयर कर लेते हैं, तो वीक 1 में डे 7 में ये ऐसा दिख रहा था, और अभी 7 दिन बाद वीक 2 के डे 7 पे आप देखिए कि काफी ग्रोथ है और उसकी पत्तियां भी अच्छे से ग्रो हो रही हैं, ओपन अप हो रहे हैं। प्लांट काफी अच्छे से फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन भी जनरेट कर रहा है। ये प्लांट एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो कि अब ये सड़ गया है, तो मैं उसको निकाल दूंगा। कंपलसरी नहीं है लेकिन मैं निकाल दूंगा। एक्वेरियम साइकिल नहीं हुआ है तो वो निकालना बेहतर होगा। ये कुछ लीव्स हैं आप देख सकते हैं जिनके ऊपर एलजी लगे हुए हैं और वो डिकम्पोज हो रही है, विच इज फाइन। ये देखिए एक प्लांट जो कि अच्छे से ग्रो कर रहा है, जिसमें एलजी भी लगे हुए हैं और पुरानी पत्तियां भी हट गई हैं। इस प्लांट का कंपेयर कर लेते हैं कि ये पिछले वीक कैसा दिख रहा था और अब कैसा दिख रहा है 7 दिन के बाद। ये देखिए पिछले वीक में काफी कम ग्रोथ थी और अभी 7 दिन बाद काफी ज्यादा ग्रोथ है और काफी पत्तियां निकल रही हैं, विच इज रियली नाइस। तो हमारा टैंक काफी हद तक लग गया है। बहुत सारे प्लांट सरवाइव भी कर गए हैं, काफी प्लांट नहीं बचे हैं, विच इज फाइन, क्योंकि 50-60% प्लांट ही बच पाते हैं। लुक एट दिस, यहाँ पर आपको ग्रास दिख रही है जो एकदम ट्रांसपेरेंट है, बट उसके साथ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि एलजी भी आए हैं। ये ग्रीन कलर के एलजी आप देख सकते हैं जो रेड एरो में मार्क किए हैं मैंने। ब्राउन एलजी भी आप देख सकते हैं ग्रेवल के ऊपर। तो अभी एलजी का आना शुरू हुआ है जो कि अब बढ़ेगा और काफी बढ़ेगा नेक्स्ट 2 वीक्स में। तो बहुत एलजी आएंगे, हम देखेंगे उनको डिटेल में कि कैसे हैंडल करना है। ये पत्ती देखिए काफी डिकम्पोज हो गई है और गिर जाएगी, पर उसके ऊपर देखिए वाटर ग्रोथ, इतनी सारी पत्तियां नई आई हैं प्लांट्स की, अमेजिंग। ये प्लांट है जो काफी अच्छे से लगा हुआ है और डे 1 से लग गया है, इसमें कुछ भी इश्यूज नहीं आए हैं। लेकिन अभी देख सकते हैं इसके ऊपर भी ब्राउन एलजी दिख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में थोड़े आए थे लेकिन इसमें अभी डे 7 ऑफ वीक 2 में तो बहुत बहुत दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट हर पत्ती के ऊपर ये ब्राउन एलजी लग गए हैं, तो इनको भी हम मैनेज करेंगे। इसके लिए हम कुछ फिशेस डालेंगे जो स्पेसिफिकली एलजी को ईट करते हैं, तो उनको एलजी ईटर बोला जाता है। मे बी स्नेल्स या फिर ऑटोसिंक्लस काइंड ऑफ फिश। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े एलजी आए हैं उनके ऊपर और पत्तियां भी ग्रो कर रही हैं, और काफी पत्तियां डिकम्पोज हो गई हैं, रेड हो गई हैं। अभी टाइम लगेगा हमको, एटलीस्ट 2 वीक्स और लगेंगे। लुक एट दिस, कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है ये प्लांट। ये देखिए हमारा फेवरेट प्लांट जो
वॉलपेपर जैसा है, उसके ऊपर भी एलजी लगे हुए हैं। आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेंगे, नीचे की पत्तियों पे एलजी भी लगे हैं और वो ब्राउन भी हो गई हैं और उनके ऊपर ब्लैक डॉट्स भी हैं। ऊपर से तो काफी ग्रो कर रहा है, न्यू पत्तियां आई हैं जो ओपन अप हो रही हैं, विच इज रियली नाइस। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफी एलजी हैं ग्रेवल के ऊपर, और छोटे छोटे प्लांट्स ने ऑक्सीजन बबल ट्रैप किए हुए हैं, काफी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि एलजी कैसे आते हैं, और ये है हेयर एलजी। आप देख सकते हैं काफी ग्रोथ है इसकी और मल्टीपल प्लांट्स में लगा हुआ है। ये देखिए, ये काफी लगा हुआ है और दूसरे प्लांट्स पे जा रहा है, जैसे कोई मकड़ी का जाला होता है, तो इसको भी हमको मैनेज करना होगा। कुछ कुछ प्लांट्स हैं काफी अच्छी ग्रोथ है उनकी, लुक एट दिस, बहुत अच्छी ग्रोथ है। ऊपर से पानी काफी क्लियर है हमारा। ये देखिए, ये प्लांट में एलजी भी है, पत्तियां भी झड़ गई हैं। ये देखिए, ये काफी ग्रोथ है, नीचे से प्लांट निकल के आ रहा है और साथ में पुरानी पत्तियां गिर गई हैं। जैसा मैंने कहा था कि आपको उस प्लांट को निकालना नहीं है, चाहे भले उसके पूरे पत्तियां गिर जाएं, चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो जाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसका रूट इंटैक्ट है कि नहीं। चलिए अब साइड से देख लेते हैं एक बार। जूम करके देखते हैं, ये जो बड़ी घास है उसके ऊपर भी काफी पत्तियां आ गई हैं। लुक एट दिस, ये प्लांट की नेचुरल ग्रोथ है, काफी सारे प्लांट ग्रो कर रहे हैं, नए पत्तियां आ रही हैं। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ग्रीन एलजी आपको दिखेंगे और ब्राउन हो चुकी है ग्रास, लेकिन उसके बीच में से नई पत्तियाँ निकल के आ रही हैं, और बैकग्राउंड में देखेंगे तो आपको दूसरे प्लांट्स भी दिखेंगे जिनमें ग्रोथ है और साथ में एलजी भी है। ये देखिए, ये एक प्लांट है पीछे की तरफ लगा हुआ रेड कलर का, इसमें काफी ग्रोथ दिख रही है। इसको कंपेयर करके देखते हैं कि देखिए, Day 7 Week 1 पे ऐसा था और Week 2 के Day 7 पे आप देख सकते हैं कि काफी ग्रोथ है प्लांट में और थोड़े बहुत एलजी भी हैं। लुक एट दिस, एलजी है, वाटर बबल मींस ऑक्सीजन बबल ट्रैप किए हुए हैं। ये देखिए, एलजी काफी लगा हुआ है, ये स्टिल फ्रेम मैंने लिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं एलजी कैसे दिखता है। तो देख सकते हैं प्लांट्स पे काफी एलजी लगा हुआ है। जूम करके देखते हैं इसको एक बार। ये देखिए, इस तरह से एलजी दिखता है, ये हेयर एलजी है और ऐसे मल्टीपल टाइप्स के एलजी आएंगे, तो इन सबको हमें मैनेज करना है, या तो क्लीन करेंगे या फिर एलजी ईटर्स फिश हम डालेंगे जिससे कि ये प्लांट को नुकसान ना पहुंचा पाए। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं।
वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और हम मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे शाम को 8 बजे।